साधना का मतलब है एक औजार या एक साधन। तो हम कुछ खास कार्यों, अपने शरीर को मोड़ने के कुछ तरीकों, सांस लेने के कुछ तरीकों, अपने मन का इस्तेमाल करने के कुछ तरीकों और बहुत सी चीजों का इस्तेमाल साधना के रूप में कर रहे हैं। जो भी हम करते हैं, हम उसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर सकते हैं। तो सच में यहाँ आकर सेवा को लेकर मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया है, बहुत बुनियादी स्तर पर। इससे पहले मैं हर काम को देखकर सोचता था कि इसका नतीजा क्या होगा, और आमतौर पर नतीजे की वजह से ही कोई काम करता था। पर यहाँ आने के बाद नतीजे वाला नज़रिया छोड़कर मैं बस पूरी हिस्सेदारी और फोकस से काम कर रहा हूँ, और ये एक बड़ा बदलाव है। होम स्कूल में काम करना मेरे लिए कई स्तरों पर एक ज़बरदस्त अनुभव रहा है। उत्साह और ऊर्जा से भरपूर बच्चों और छात्रों के आसपास रहने से मेरे अंदर जीवंतता का एक गहरा भाव पैदा हुआ है, जो कि मैंने कुछ समय से महसूस नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि जीवन में पहली बार मैं बिना शिकायत के स्कूल जा रहा हूँ। मैं सुबह शिव नमस्कार कर रहा था और मुझे बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। पूरी साधना ज्यादा शक्तिशाली, तीव्र और ज्यादा केंद्रित हो गई है। मुझे वाकई ऐसा लगा कि मैं कृपा से पूरी तरह भर गया हूँ, और ये एक अद्भुत अनुभव था। ग्रामोत्सव एक ऐसा आयोजन है जिसके बारे में सोचते ही मन में मजे करने का ख्याल आता है। ये जबरदस्त ऊर्जा से भरपूर था और वहाँ मौजूद हर इंसान बस खेलना चाहता था। वो हम सभी के लिए बस एक खेल था। हर कोई आनंदित था, हर चेहरे पर आनंद दिख रहा था। इससे मेरे चेहरे पर आनंद आ गया, इससे मैं आनंदित हो गया। मुझे लगता है कि उस मौन कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा अनुभव था। ये सबसे सुंदर पलों में से एक थे, और मुझे लगता है कि साधना पद में हमसे जो भी साधना करवाई गई, उसके बिना हमने मौन कार्यक्रम का उतना आनंद नहीं लिया होता जितना हमने लिया। मैं वैसे भी कम बोलती हूँ, तो जब उन्होंने मौन कार्यक्रम के बारे में बताया तो मुझे लगा ये तो आसान होगा। लेकिन पहले ही दिन मुझे ज़बरदस्त एहसास हुआ कि चुप रहने और मौन होने में बहुत बड़ा अंतर है। तो स्थिरता के एक विशेष बोध ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, और मैं हर उस विचार के बारे में जागरूक हो गई जो मेरे मन में गुजर रहा था। पर साथ ही मैं किसी भी विचार से जुड़ना नहीं चाहती थी, और ये मेरे लिए बहुत ही मुक्तिदायक अनुभव था। आपका हर कदम, आपकी हर सांस, आपका हर काम, आपका हर शब्द, आप इनका इस्तेमाल इस तरह कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उससे थोड़े मुक्त हो जाएं। तो अगर आप जागरूक हो जाएं कि जो भी आप करते हैं वो आपको आगे ले जा सकता है, तो हर काम, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या काम मिलता है, हर तरह का काम करके आप अपना विकास कर सकते हैं। यही साधना पद है।